वक्त हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6 और ये हमारी क्यूट सी भतीजी यहाँ आई हुई है ऊपर हमसे मिलने। ये रहती नीचे ही है, ये ऊपर आ गई है हमसे मिलने के लिए। कैसे हो बेटा, हाथ मिलाओ, बाय बाय करो सबको, हाय। और यहाँ चलते हैं, यहाँ मेरी अम्मी जो है वो विंडो से देख रही है, टीवी इन्होंने चलाया हुआ है। बर्तन, कुछ गेस्ट आए थे हमारे रात में, तो हमने गेस्ट के लिए जो है बर्तन वगैरह हमने निकाले थे, कुछ गेस्ट आए थे उनके लिए। अब मैंने वॉश करने के बाद इनको सुखाने के लिए रखा हुआ है, जैसे सूख जाएंगे फिर इनको मैं रख दूंगी वापस। ये हमारे पास है बेबी की दवाएं, ये बेबी का जो है कान साफ करने के लिए, ये पैनाडोल सिरप और ये सब जो है दवाइयाँ हैं, ये बेबी के हैं मेरे भांजे की, तो वो यहाँ पे कुछ दिन रुकने के लिए आए हैं। ये है उसकी दवाएं, इसलिए मैंने रख दी अभी, क्योंकि अभी जो है लाइट जाने का वक्त हो रहा है, तो अभी हम प्रेस नहीं कर सकते। और फ्रिज को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद, ये देखिए मैंने पानी की बॉटल्स इसके अंदर रख दी हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको यहाँ से क्लीन किया है, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे मैंने इसको धोया नहीं था। जो चीज़ पुरानी होती है वो काम भी बहुत अच्छा दिखाती है। तो ये हमारे पास है हायर का, ये देखिए ये बहुत ही पुराना है, अल्लाह पाक का शुक्र है, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है ये। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से धोने के बाद अब इसको हम ऑन करेंगे। तो बच्चों ने कुछ चीज़ें रखी है अपने, अब इसको हम करेंगे ऑन। इस तरफ भी कुछ सामान रखे हुए, चलिए जी हम मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। ये है कुछ बाहर का मंजर, ये देखिए बाहर का, क्योंकि 14 अगस्त जो है वो करीब आ रही है, तो बाहर जो है ये बच्चे के कपड़े, बारिश रुक नहीं रही, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी चल रही है, तो कपड़े सुखाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो इस वजह से हमने ये कुर्सी रखी हुई है, देखिए कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, अगर आपकी कुर्सी टूटी है तो ये बेकार नहीं है। ये देखिए इस पर हमने इस तरह से बच्चे के कपड़े जो है सुखाने के लिए रख दिए, जैसे पंखा चलेगा कपड़े भी सूख जाएंगे, और आजकल धूप धूप तो बिल्कुल गायब हो चुकी है। और ये देखिए ये सारे कपड़े इस तरफ हमने टांग दिए, और ये स्टैंड बन चुका है कपड़ा सुखाने वाला। और ये देखिए ये बच्चे के कपड़े, चावल है ये, और ये हमारा बेबी जो है भांजा, ये देखिए ये इससे मिलने की आली आती है खेलने के लिए, वो छोटा है तो इस वजह से वो अभी बहुत छोटा है। चले जी, ये पंखा हमने रखा हुआ है बच्चों को मच्छर ना काटे इस वजह से, और ये बास्केट है इसमें भी कपड़े हैं, ये भी दवाइयाँ रखी हुई हैं बच्चों की, अर्जेंटली कोई भी दवाई दे सकते हैं डॉक्टर जाने से पहले बच्चे को, घर में यही दवाइयाँ डॉक्टर भी यही दवाइयाँ लिख के रहते हैं। जी हमने स्टैंड लगाया हुआ है मोबाइल के लिए, या मोबाइल चार्ज करने के लिए छोटा बल्ब लगाया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। ये हमने एक सोफ़ा रखा हुआ है बैठने के लिए, वरना हमारा कमरा बिल्कुल खाली है, ये देखें, क्योंकि ये सोने का है तो इस वजह से इसमें हम ज़्यादा सामान नहीं रखते। और ये बच्ची माशाल्लाह से खेलती रहती है और फिर नीचे चली जाती है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यह हमने रखे हुए बिस्तर, ये है बच्चे की नेट सोने के लिए ऊपर डालने के लिए, और ये हमारे पास है हाथ का पंखा, ये देखें ये इस तरह हाथ का पंखा। तो लोड शेडिंग तो खैर नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी कभार जो है फॉल्ट आ जाते हैं तारों में, तो उस वजह से लाइट नहीं होती। और ये हमारे पास है एक झूला बच्चे का, ये देखें ये है झूला, ये इस तरह से है, जब बेबी सोएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये बाजे देखिए बस, ये झूला है, इसमें हम बच्चे को सुलाएंगे। और इसके अलावा कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके हैं प्रेस करने के लिए, ये देखें कपड़े भी काफ़ी टंगे हुए हैं प्रेस करने के लिए। ये पर्दे मैंने साफ़ करने के बाद लगा दिए हैं, और कुछ हम बांध देते हैं क्योंकि इनके अंदर मच्छर छुप जाते हैं, ये देखें
ये मैंने आपको ऊपर से दिखाया है क्योंकि नीचे फैमिली बैठी हुई है अभी। ये देखें, ये बच्ची बेचारी काम करती रहती है। चले जी, कैसे लगा आपको हमारा ये व्लॉग? इंट्रोडक्शन था अभी कि मैं आपके साथ व्लॉग अपने शेयर करूंगी। ये पानी के डब्बे रखे हुए और ये देखिए ये छोटी सी बास्केट है, ये देखिए छोटी सी बास्केट है, स्मॉल बास्केट। इसमें जो है ये खिलौने लाती है अपने खेलने के लिए। ये देखिए इसमें ये ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ये इस तरफ से ये रखे हुए खिलौने। ये देखिए ये हर तरह के इसमें खिलौने। ये हमने रखी है वॉशिंग मशीन, ये कूलर का ठंडा या पानी जो होता है वो अम्मी हमारे नहीं पी सकती, तो ये हमने अम्मी के लिए बोतल रखी हुई है जो है गर्म पानी है, नॉर्मल है जो पी सकती है। तो ये है कूलर, बहुत ठंडा है। इसके साथ साथ जो है बस यही था हमारे। ऊपर हमारी छत बनी हुई है कपड़े टांगने के लिए, और ये छोटा सा गार्डन बना हुआ है। ये देखिए छोटा सा गार्डन है इस तरफ बना हुआ है। ये इसका पर्स है, ये अपना पर्स भी साथ लेकर आती है। ये देखिए क्यूट सा पर्स भी है, ये जो है अपने साथ चीज़ें लेकर आती है इसमें। तो ये हमारे भाई जो है काम से आ चुके हैं।